झारखंड के साहेबगंज जिले में आदिम जनजाति खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई, ताकि हर घर के द्वार तक राशन को पहुंचाया जा सके। इसीलिए इस योजना का नाम डाकिया योजना भी पड़ा। लेकिन आज भी मंडरो ब्लॉक के दामिन बिट्ठा पंचायत बनचप्पा पहाड़ निवासी समसुन मालतो सहित गांव के सभी लोग राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली जानी बिट्ठा आते हैं। राशन लेने के लिए उन्हें 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और अपना किराया देकर पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर अपना राशन घर ले जाते हैं। राशन लेने के लिए आप लोग कितने चक्कर लगाते हैं? तो 3 चक्कर लगने पड़ता है, 3-4 चक्कर। कितना लगता है, कैसे लाते हैं राशन? ट्रॉली से लाते हैं, ट्रैक्टर से। कितना देते हैं? प्रति घर में 40 रुपये लेते हैं। हर गांव वाले 30-40 रुपये देते हैं, उससे ज़्यादा भी? ज़्यादा भी देता है, जो जितना गांव दूर है ना उतना ज़्यादा दे रहा है। क्या क्या मिलता है? चावल मिलता है, चावल में अगर चावल नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे दिन फिर जाने पड़ता है, और फिर दूसरा दिन जाएंगे तो बोले कि आज नहीं कल। मैं एक बार तो चीनी मिला और नमक मिला, 3 किलो चीनी मिला, 3 किलो नमक मिला। चावल भी नहीं बढ़िया से नहीं फूटता है। कितना किलो आप लोग को चावल दिया जाता है? 35 में 2 यानी 3 किलो मतलब घटता है हर बार। मेरे समुदाय के लोग यह चाहते हैं कि मंडरो ब्लॉक के जानी विट्ठा जन वितरण प्रणाली दुकान से 1082 अंत्योदय कार्डधारियों के घर तक राशन पहुंचे। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूं कि मंडरो ब्लॉक के मार्केटिंग ऑफिसर कैलाश साहू को मोबाइल नंबर 7281097505 पर कॉल करके इस समस्या में बदलाव लाने में हमारी मदद करें। मैं शिखा कुमारी, जिला साहेबगंज झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।